बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्युनिकेबल डिजीज पे है। कम्युनिकेबल डिजीज जिन्हें हम ट्रांसमिसिबल डिजीज भी कहते हैं, जो कि ट्रांसमिट होती हैं फ्राम वन इंडिविजुअल, फ्राम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अनदर हेल्दी इंडिविजुअल। तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे जो था वो लेक्चर मैंने डिलीवर किया था, तो उसमें कुछ जो थी आपको बातें जो बताने वाली थी, तो इसलिए आज दोबारा हम ये टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करेंगे और इसे जो है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज दैट पब्लिक हेल्थ हैंडल्स। तो आज हम डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक पब्लिक हेल्थ में जो है जो मैटर करती हैं, जो पब्लिक हेल्थ में जिनको देखा जाता है। तो कॉमन फूड बॉर्न इलनेस, तो कम्युनिकेबल डिजीज में कॉमन फूड बॉर्न इलनेस जिनमें जो है ऐसी डिजीज हैं जो फूड की वजह से होती हैं, कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से जो डिजीज डिवेल्प होंगी उनको हम कॉमन फूड बॉर्न इलनेस कहेंगे। देन कॉमन फूड बॉर्न इलनेस या फूड बॉर्न डिजीज में साल्मोनेला, कंपेलोबैक्टर, जार्डिया, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड बॉर्न इलनेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देन हेपेटाइटिस ए बी सी, मेनिनजाइटिस एंड वैक्सीन प्रिवेंटेबल्स, तो ये डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिन्हें पब्लिक हेल्थ में जो है वो देखा जाता है। देन फूड बॉर्न इलनेस, फूड बॉर्न इलनेस स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस, अगर स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस की बात करें तो इलनेस का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स भी जो हैं वो अपेयर हो सकती हैं, मॉडरेट सिम्टम्स भी अपेयर हो सकती हैं, एंड सीवियर फॉर्म में जो है वो फूड बॉर्न इलनेस जो है वो हो सकती है। स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस सिम्टम जो हैं बेसिकली माइल्ड, माइल्ड में लूज स्टूल्स जो है वो हो सकते हैं, नोजिया, नोजिया वोमिटिंग लाइक कंडीशन, वोमिटिंग लाइक जो है फीलिंग्स आती हैं नोजिया में। देन फटीग है, फटीग जो है वो थकावट। देन तो ये माइल्ड टाइप सिम्टम्स हैं जो कि फूड बॉर्न इलनेस में जो है वो देखी जा सकती हैं। देन मॉडरेट, मॉडरेट सिम्टम्स में वोमिटिंग है, डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। देन मॉडरेट सिम्टम्स में या मॉडरेट फूड बॉर्न इलनेस में वोमिटिंग होगी पेशेंट को, डायरिया होगा, देन फीवर होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प और एब्डोमिन में पेट में जो है बहुत ज़्यादा शदीद पेन होगा। देन सीवियर फूड बॉर्न इलनेस के जो सिम्टम्स हैं उसमें ब्लडी डायरिया, देन डिहाइड्रेशन, मॉडरेट में जो डायरिया होगा तो डायरिया की वजह से जो है वो फ्लूइड लॉस होगा, वोमिटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस होगा जिससे जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो डिवेल्प हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन बेसिकली हमारी बॉडी में पानी की जो है पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। देन ब्लडी डायरिया, डायरिया के जो है वो टू टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो वाटरी डायरिया जिसमें जो है ब्लड इंक्लूड नहीं होता, तो सेकंड टाइप जो है ब्लडी डायरिया जिसे हम डाइजेंट्री भी कहते हैं। तो डाइजेंट्री या ब्लडी डायरिया में जो डायरिया होगा, डायरिया का जो सैंपल होगा उसमें ब्लड भी जो है ब्लड भी उसमें जो है वो इंक्लूड होगा। देन सीजर्स हैं, शॉक एंड डेथ, तो सीवियर फॉर्म में जो है वो झटके लगना, देन शॉक है, शॉक के अलावा जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो फूड बॉर्न जो है उनकी सोर्स कंटेमिनेशन है। फूड बॉर्न डिजीज जितनी भी डिवेल्प होती जितनी भी प्रोड्यूस होती हैं तो फूड बॉर्न इलनेस की जो मेन रीज़न है वो कंटेमिनेटेड फूड है। तो सोर्स कंटेमिनेशन जिसमें जो है सोर्स कंटेमिनेशन में मिस हैंडलिंग हो सकती है। अगर आपने फूड को अच्छे से हैंडल नहीं किया, आपकी हैंडलिंग जो थी वो ठीक नहीं थी, आपने एसेप्टिक टेक्निक जो है वो आपने यूज़ नहीं की,
आपने अच्छे से जो है वो फूड को हैंडल नहीं किया, जो उसमें मिसहैंडलिंग थी, जिससे जो है वो फूड बॉर्न डिजीज जो है वो डेवलप होगी। देन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन में ईटिंग रा, अगर रा जो है फूड ईट कोई सॉरी ईटिंग रा फूड, अगर रा फूड जो है उसका इंटेक किया जाता है, उसकी इंजेशन की जाती है, तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं, जो फर्दर जो है डिजीज काज कर सकते हैं। इसलिए एक इसलिए जो है और ये सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हो सकता है, तो ईटिंग रा मीट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है। इसलिए जो है खाने को अच्छी तरह पकाना चाहिए, उसके अच्छी तरह कुकिंग करनी चाहिए, और प्रॉपर जब खाना जो है या मीट जो है वो कुक्ड हो तब उसको जो है उसके इनटेक किया जाए। देन वाटर बॉर्न सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन में वाटर बॉर्न भी डिजीजेज हैं, जिसमें जो है कंटेमिनेशन का जो सोर्स है वो वाटर है, वाटर में जो है बैक्टीरिया होंगे या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जिससे जो है और वो वाटर इनटेक करने से या वो वाटर यूज़ करने से जो है सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हो सकता है वाटर, जिससे जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो डिवेल्प होंगे। देन पर्सन टू पर्सन, देन ट्रांसमिशन जो है वो पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट डिजीज हैं जिनकी जो ट्रांसमिशन है वो पर्सन टू पर्सन है। देन पर्सन टू पर्सन में एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो है ट्रांसमिशन होगी डिजीज़ की, जिसे हम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन का नाम देंगे। देन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन में को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में डायपर चेंजेस, देन डायरेक्ट में सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है, अदर इंटीमेट कंटेक्ट हो सकता है, लाइक नीडल है, ड्रग है एंड शेयरिंग है। अगर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप शेयर करते हैं, लाइक आपकी जो कंघा है वो आप शेयर करते हैं, या आप आपके जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप अगर शेयर करते हैं, तो उससे जो है ट्रांसमिशन हो सकती है, और ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगी, जिसमें जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है इसकी जो है ट्रांसमिशन होगी। देन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में थ्रू एन ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कैरिंग एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो इनडायरेक्ट में जो है इनडायरेक्ट में बेसिकली जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन तो होगी, लेकिन जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन होगा वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सब्सटेंस हो सकता है, जिसकी जो है कैपेबल हो सकता है ऑफ कैरिंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जिसमें इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को जो कैरी करेगा, और उस ऑब्जेक्ट या उस सब्सटेंस से जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेंट है, वो उसकी ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम हेल्दी फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल। तो दीज आर मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो इनमें जो है फूड बॉर्न डिजीज में डिफरेंट डिजीज हैं, जिससे जो है फूड बॉर्न डिजीज जो है वो डिफरेंट डिजीज हैं, जो फूड बॉर्न है, जो फूड कंटेमिनेटेड फूड खाने से जो है वो डिवेल्प हो सकती हैं। देन वाटर बॉर्न है, वाटर बॉर्न में जो है वो डिफरेंट डिजीज हैं, जिनमें जो है कंटेमिनेटेड वाटर इंटेक करने से डिजीज जो है वो डिवेल्प हो सकती हैं, जिन्हें हम वाटर बॉर्न डिजीज कहेंगे। देन पर्सन टू पर्सन में आजकल जो है वो कोविड है, कोविड की जो है वो ट्रांसमिशन डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है, और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी कोविड की जो है वो हो सकती है। तो पर्सन टू पर्सन जो है ये इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो ये मोड्स हैं ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज़ जो है डिजीज़ के ट्रांसमिट होने के डिफरेंट मोड्स हैं, उसमें फूड बॉर्न भी हो सकते हैं, वाटर बॉर्न भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ये दोनों जो है वो मोड्स हो सकते हैं। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, फर्दर हम फूड बॉर्न डिजीज को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग जो है उनको हम डिस्कस करते हैं, कॉमन व्हीकल्स जोन में यूज होते हैं। तो कंपैलोबैक्टीरियोसिस जो है एक फूड बॉर्न डिजीज है, जिसका जो कॉक्सटिव एजेंट है वो कंपैलोबैक्टर है। देन इनमें जो कॉमन व्हीकल बेसिकली उस सब्सटेंस को, उस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे, जिससे जो है जिसके जरिए ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल, तो उसको हमने व्हीकल का नाम दिया। तो कंपैलोबैक्टीरियोसिस में जो एज व्हीकल यूज़ होगा मिल्क है, तो अगर कंटेमिनेटेड मिल्क इनटेक करने से जो है
एक मिल्क जो है वो हम इनटेक करते हैं और वो कंटेमिनेटेड था, उसमें कंपैलोबैक्टर जो बैक्टीरिया था वो था, तो उससे जो है कंपाइलोबैक्ट्रोसिस जो है वो डिवेल्प हो सकते हैं। देन चिकन, पेट एनिमल्स एंड लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक हैं, पेट एनिमल्स हैं, चिकन है, देन मिल्क है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये इनको हम कॉमन व्हीकल्स कहेंगे, जिससे जो है ट्रांसमिशन हो सकती है कंपैलोबैक्टर की फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल। देन इकोलाई, इकोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, तो इस लेक्चर में जिस स्ट्रेन्स के बारे में बताया गया, जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट जो है जिसे हम मोस्टली जिसके साथ हमारा इंट्रैक्शन होता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में, तो इकोलाई की वो स्ट्रेन 0157H7, तो 0157H7 जो है ये इकोलाई की एक स्ट्रेन है, और इसकी जो ट्रांसमिशन होगी थ्रू सैलेड होगी। देन हैम बर्गर, इसकी जो है इस ट्रांसमिशन हो सकती है। देन वाटर, वाटर से जो है इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो है इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। देन सालमोनिलोसिस में जो है इसकी जो ट्रांसमिशन होगी बेसिकली सालमोनेला जो है वो कॉक्सरेव एजेंट है सालमोनिलोसिस का। सालमोनोलोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसका जो कॉक्सरेव एजेंट है वो सालमोनेला है। देन इसमें जो कॉमन व्हीकल्स हैं जिनसे जो है ट्रांसमिशन होती है सालमोनेला की और सालमोनिलोसिस जो है डिजीज डिवेल्प होती है, तो उनमें एग्ज हैं, मीट है, पोल्ट्री है, फ्रूट है, एंड रेप्टाइल पेट्स, पेट्स जो है रेप्टाइल्स के, उनसे जो है इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है और सालमोनोलोसिस जो है वो डिवेल्प हो सकती है। देन शिगेलोसिस जो है एक डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि एक बैक्टीरिया जिसे हम शिगेला कहते हैं, जिसका नाम जो है वो शिगेला है, तो उससे जो है इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। देन शिगेलोसिस में जो कॉमन व्हीकल्स हैं जिनसे जो है ट्रांसमिशन हो सकती है, जिनके थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है इस डिजीज़ की, उसमें मिल्क है, मिल्क, देन डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं लाइक पोटैटो है, टोना एंड टर्की, तो ये डिफरेंट तो इनकी शिगेलोसिस जो है इसमें जो है शिगेला की जो ट्रांसमिशन होगी थ्रू पोटैटो हो सकती है। देन टुना, टुना जो है वो एक फिश है। देन टर्की, टर्की जो है वो एक हेन की जो है एक टाइप है, तो इनसे जो है इनके गोश्त खाने से शिगेलोसिस जो है वो डिवेल्प हो सकती है। इसी तरह से मिल्क, मिल्क से भी जो है शिगेलोसिस की जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है। देन रेजरवायर, एक कॉमन वर्ड जो है यूज़ होता है जब भी हम इन्फेक्शियस डिजीज डिस्कस करते हैं। रिजर्वायर, रिजर्वायर जो है बेसिकली रिजर्वायर ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इज द हैबिटेट। रिजर्वायर जो है बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसा एजेंट जो डिजीज कास करेगा, जैसे हमने इन्फेक्शियस एजेंट का नाम दिया था जो होस्ट में डिजीज कास करेगा, तो उसका जो हैबिटेट है उसको हम रिजर्वायर कहेंगे। इन विच द एजेंट नॉर्मली लिव्स, जिसमें जो है इन्फेक्शियस एजेंट जो डिजीज कास करता है एजेंट, वो जिसमें रहता है, ग्रोज और वहाँ पे ग्रो करता है एंड मल्टीप्लाइज और अपने नंबर्स जो हैं वो बढ़ाता है, रेप्लिकेशन करता है, तो उस हैबिटेट को हम रिजर्वायर का नाम देते हैं। रिजर्वायर इंक्लूड ह्यूमन, तो रिजर्वायर्स में जो है वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, एंड इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है। द रिजर्वायर मे आर मे नॉट बी द सोर्स फ्राम विच एन एजेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ होस्ट। तो रिजर्वायर जो है वो हो भी सकता है, मे आर मे नॉट बी द सोर्स फ्राम विच एन एजेंट इज ट्रांसफर, तो ज़रूरी नहीं है कि रिजर्वायर से जो है वो ट्रांसमिशन हो, तो रिजर्वायर जो है उससे ट्रांसमिशन के चांसेस, ट्रांस डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो भी सकती है और डिजीज जो है वो ट्रांसमिट नहीं भी हो सकती।
टू द होस्ट, होस्ट की तरफ. देन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो डिफरेंट रिजर्वायर्स में डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स जो हैं ये रिजर्वायर हैं, रिजर्वायर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, और इनमें जो है इन्फेक्शियस एजेंट जो है इनमें पाया जाता है, उसका ये हैबिटेट है, उनका नॉर्मल फ्लोरा है. तो इससे जो है फर्दर डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल से जो है जब ह्यूमंस का इंट्रैक्शन होगा इन एनिमल्स से, तो ये इन्फेक्शियस एजेंट जो है उन डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स की ट्रांसमिशन हो सकती है टू ह्यूमंस, और ह्यूमन में जो है वो डिजीज डिवेलप कर सकते हैं. देन पोल्ट्री है, स्वाइन है, कैटल, डॉग्स एंड कैट्स, तो ये डिफरेंट रिजर्वायर्स हैं जिनसे जो है वो डिफरेंट डिजीज जो हैं वो डिवेलप होती हैं. देन डिफरेंट टाइप्स के रोडेंट्स हैं, चिक्स हैं, बेबी चिकन्स हैं जो कि एक्ट कर रहे होते हैं एज अ रिजर्वायर, और जिनमें जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट जिनको यूज़ करता है एज अ हैबिटेट, और इनसे जो है वो फर्दर डिजीज़ की ट्रांसमिशन हो सकती है. देन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में फूड बॉर्न कैन बी वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न डिजीज जो है उनको जो उनमें वाटर बॉर्न डिजीज भी हो सकते हैं. तो फीकल ओरल रूट, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू फीकल ओरल रूट्स जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है. फीकल ओरल रूट में, फीकल ओरल रूट जो है वो फूड बॉर्न डिजीज़ का जो मेन जिससे जो है ट्रांसमिशन होती है फूड बॉर्न डिजीज़ की, तो वो फीकल ओरल रूट है. फीकल ओरल रूट का जो मैकेनिज्म है, इसमें जब एक शख्स जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है जब उसमें डिफिसिशन होगी, तो उससे जो है उसके जो फीसिस हैं या उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर में जो है ऐड होगा. वाटर में ऐड होने के बाद अगर उसको प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया गया, उसको वेस्ट नहीं किया गया, तो उससे जो है वो फीकल मटेरियल जो है वो खाने में भी आ सकता है, वो पानी में भी आ सकता है, और डिफरेंट एनिमल्स जो है उनको कैरी कर सकते हैं. तो देन फर्दर जो है जब हेल्दी इंडिविजुअल ओरली इंटेक करेगा ऐसी फूड, ऐसा खाना, ऐसा पानी जिसमें जो है ऑलरेडी जो है वो फिकल मटेरियल के अंदर जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया या इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो प्रेजेंट थे, तो उससे जो है उनमें भी जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल में भी डिजीज़ जो है वो डिवेलप हो सकती है. तो इस रूट को हम फीकल ओरल रूट कहते हैं. देन ईटिंग फूड्स कंटेमिनेटेड विद एनिमल फीसिस, तो इनमें जो है वो फूड है, डिफरेंट टाइप्स के फूड्स हैं जिनमें कंटेमिनेटेड विद एनिमल फीसिस से जो है वो कंटेमिनेटेड होगी. देन कंटेमिनेटेड फूड यूजली लुक एंड स्मेल नॉर्मल, कंटेमिनेटेड फूड जो है वो देखने में और स्मेल करने में नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होता है, और ऐसी कंटेमिनेटेड फूड इनटेक करने से फूड बॉर्न डिजीज जो है वो डिवेल्प होती हैं. देन फूड्स इंक्लूड, फूड में अब रा एंड अनकुक्ड, अंडर कुक्ड एग्स एंड एग प्रोडक्ट, तो रा एंड अंडर कुक एग्स हैं और एग्स प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मिल्क प्रोडक्ट्स है, देन पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. तो इनमें अगर खाना जो है वो रॉ है या अंडर कुक्ड है, आपने अच्छी तरह उसको जो है वो कुक नहीं किया, तो उससे जो है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, और ऐसा खाना जब हम इनटेक करेंगे, ऐसा दूध जो है वो हम इनटेक करेंगे या मिल्क प्रोडक्ट्स हम इनटेक करेंगे या गोश्त खाएंगे, तो उससे जो है वो कंटेमिनेटेड, उसमें जो है वो कंटेमिनेंट, उसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो हेल्दी इंडिविजुअल में जो है डिजीज़ काज करेगा. कंटेमिनेटेड फूड्स ऑफन ऑफ एनिमल ओरिजिन, तो कंटेमिनेटेड फूड जो है वो उनका जो ओरिजिन है वो एनिमल ओरिजिन है. फूड्स कैन बी कंटेमिनेटेड बाई अनवाश्ड हैंड्स ऑफ इन्फेक्टेड फूड हैंडलर, तो उसमें जो है फूड जो थी उसको हैंडल करने वाला जो बंदा था, तो उसके जो हैंड्स थे वो अनवाश थे, जिससे जो है कंटेमिनेशन, जिससे ट्रांसमिशन हुई, और इन्फेक्शियस एजेंट जो था उस कंटेमिनेटेड फूड से उस हैंड फूड हैंडलर के जो है हाथों से जो है उसकी ट्रांसमिशन हुई, और फर्दर जो है उसे डिजीज़ ट्रांसमिट हुई फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. देन पर्सन टू पर्सन एंड फीकल ओरल ट्रांसमिशन इज इम्पोर्टेंट. देन इसमें जो है फूड बॉर्न डिजीज में जो डिजीज़ जो रूट है वो फीकल ओरल रूट है, और फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. देन रेप्टाइल्स हैं, इवन इफ हेल्दी कैन हार्बर एंड ट्रांसमिट साल्मोनेला, तो डिफरेंट रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जो हैं अगर वो हेल्दी भी हैं
तो वो एक्ट कर रहे होते हैं, और उनमें जो है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं लाइक सालमोनेला, और इनसे जो है वो डिजीज डिवेलप हो सकती है। देन प्रिवेंशन, अब डिफरेंट जो है टाइप्स हमने, अब देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हैंड वॉशिंग एटलीस्ट 20 सेकेंड विद वार्म सोप, सोपी वाटर। देन इसमें जो है वो आप सोप यूज़ करना है, आपने सोप यूज़ करना है, और वार्म वाटर से जो है अपने हाथों को 20 सेकेंड तक आपने अच्छी तरह उसको वॉश करना है, जिससे जो है अगर आपके हाथ पे जो है वो कंटेमिनेंट्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, तो इनकी जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो रोकी जा सकती है। देन रेफ्रिजरेट प्रिपेयर्ड फूड, जितने भी फूड है उसको प्रॉपरली आपने रेफ्रिजरेट करना है थॉरली। रेफ्रिजरेट करने से जो है वो टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। देन थॉरली कुकिंग ऑफ ऑल फूड स्टफ, अगर फूड जो है वो आप कुक कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह आपने जो है पकाना है। देन डिराइव फ्रॉम एनिमल सोर्स, जितने भी फूड स्टफ जो एनिमल सोर्स से आ रहे हैं तो उनको आपने अच्छे से जो है उनकी कुकिंग करनी है। तो उनमें एनिमल सोर्सेज में मोस्टली जो है वो मीट आता है, उसके अलावा एग्स आते हैं, तो इनकी जो है वो आपने अच्छे से कुकिंग करनी है, पार्टिकुलरली पोल्ट्री। तो उसमें पोल्ट्री है, पोर्क है, एग प्रोडक्ट्स हैं एंड मीट डिशेज, तो इनकी आपने थॉरली कुकिंग करनी है। अवॉइडिंग रिकंटेमिनेशन विद इन द किचन आफ्टर कुकिंग इज़ कम्प्लीट। तो इसमें जो है कुकिंग कम्प्लीट करने के बाद आपने रिकंटेमिनेशन का जो है वो ख्याल रखना है। मेंटेनिंग सैनिटरी किचन, प्रोटेक्टिंग प्रिपेयर्ड फूड, तो फूड का जो है कंटेमिनेट होने की जो जगह है वो किचन ही है, तो किचन से जो है मैक्सिमम जो है वो फूड जो है वो कंटेमिनेट हो रही होती है। तो अगर आपका जो किचन है वो अच्छा है, उस पर आपने जो है सैनिटरी मेंटेन किया हुआ है, तो उससे जो है प्रोटेक्टिंग प्रिपेयर्ड फूड, और फूड को आपने अच्छे से प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट रोडेंट्स एंड इंसेक्ट कंटेमिनेशन, तो उससे जो है फूड बॉर्न डिजीज से जो है वो बचा जा सकता है। एक्सक्लूड इंडिविजुअल विद डायरिया फ्रॉम फूड हैंडलिंग एंड फ्रॉम केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स एंड एल्डरली, द एल्डरली एंड चिल्ड्रन। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें जो है जो इन्फेक्टेड है या जिनमें डायरिया है, तो उनको जो है वो फूड हैंडलिंग से रोका जाए, जिनमें जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं एंड एल्डरली एंड चिल्ड्रन, तो उनको जो है वो बच्चों, बड़ों और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो है उनकी केयर करने से ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है वो एक्सक्लूड करना चाहिए। देन ट्रीटमेंट, देर इज़ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। HIV पेशेंट में रिक्वायर लाइफ लॉन्ग थेरेपी टू प्रिवेंट द सलमोनेला सेप्टिसीमिया। देन मोस्ट पीपल रिकवर ऑन देयर ओन, तो मोस्टली जो है पीपल जो है वो रिकवर हो जाते हैं, खुद ब खुद ही जो है वो रिकवर हो जाते हैं। देन एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डायरल ड्रग्स आर नॉट जनरली रिकमेंडेड फॉर केसेज विद इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। देन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए की जो ट्रांसमिशन है वो पर्सन टू पर्सन है थ्रू फिकल ओरल कंटेक्ट है। अब इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बाकी हेपेटाइटिस लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो कि ब्लड बॉर्न डिजीजेज हैं, तो उनसे इसके ट्रांसमिशन जो है वो डिफरेंट है। हेपेटाइटिस ए की जो ट्रांसमिशन है वो पर्सन टू पर्सन है और थ्रू फिकल ओरल रूट्स से जो है इसकी कंटेमिनेशन, इसकी जो है ट्रांसमिशन होती है। पुटिंग समथिंग इन द माउथ दैट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टियस इन्फेक्टेड फीसिस, तो इन्फेक्टेड फीसिस से कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट आपने कोई चीज़ जो है वो आपने अगर मुंह में डाली है, तो उससे जो है कंटेमिनेशन या ट्रांसमिशन जो है वो हो सकती है हेपेटाइटिस ए की। देन फीकल कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल एंड अदर अनकुक फूड दैट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड ड्यूरिंग हैंडलिंग, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फूड्स हैं जिनमें जो है जो कि कंटेमिनेटेड थी ड्यूरिंग हैंडलिंग जो है वो कंटेमिनेशन हुई, उनमें इन्फेक्शियस एजेंट जो थे वो ऐड हुए, और फर्दर इन्फेक्शियस एजेंट जो होंगे वो डिजीज़ काज करेंगे। देन ड्रिंकिंग वाटर आर यूजिंग आइस, देन अगर आप ड्रिंकिंग वाटर आर यूजिंग द आइस दैट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड वाटर इंटेक करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर या आप आइस यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड थी, तो उससे जो है वो हेपेटाइटिस सी की ट्रांसमिशन हो सकती है।
देन सिम्टम्स, सिम्टम्स में चिल्ड्रन यूजली हैव नो सिम्टम्स, बच्चों में कोई सिम्टम्स नहीं आती। अडल्ट्स चिल्ड्रन में एक्सपीरियंस, तो अडल्ट्स में सिम्टम्स जो अपेयर होंगे उनमें जॉन्डिस है, फिटीग है, नोजिया एंड वोमिटिंग, एबनोमिनल पेन है, डार्क यूरिन, लाइट स्टूल एंड फीवर। तो ये सिम्टम्स हैं जो कि हेपेटाइटिस ए में जो है वो अपेयर होंगी। देन ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन विल क्लियर अप इन फ्यू वीक्स टू मंथ्स, यूजली विद नो सीरियस आफ्टर इफेक्ट्स। तो इसमें जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पर्सन जो है या पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी खुद ही जो है उसको ठीक करती है, पेशेंट जो है वो खुद ही ठीक हो जाता है, और इसमें जो है इन्फेक्शन को क्लियर होने में फ्यू वीक्स टू मंथ जो है वो लग सकते हैं। वंस रिकवर्ड इंडिविजुअल इज इम्यून, और एक दफ़ा जब इंडिविजुअल जो रिकवर्ड हो जाता है तो वो इम्यून हो जाता है, एंड वेल नेवर गेट HAV इन्फेक्शन अगेन, और उसमें जो है दोबारा HAV इन्फेक्शन नहीं होगा। एक्सक्लूड पेशेंट्स फ्रॉम सेंसिटिव ऑक्यूपेशंस आर चाइल्ड केयर यूनिट 10 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। अगर सिम्टम जो है वो आती हैं तो उसमें जो है आपने 10 दिन तक उस पर्सन को, उस पेशेंट को जो है वो आपने सेंसिटिव ऑक्यूपेशन और चाइल्ड केयर यूनिट से जो आपने दूर रखना है। देन इम्यूनोग्लोबुलिन IG कैन प्रोवाइड टेम्परेरी इम्यूनिटी इफ गिवन प्रायर टू एक्सपोजर और विद इन 2 वीक्स आफ्टर कंटैक्ट। अगर कंटैक्ट के विद इन 2 वीक्स या उसके एक्सपोजर से पहले जो है वो एंटीबॉडीज जो है लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन IG जो है वो दी जाती है, तो इससे जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है हेपेटाइटिस ए का। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर आपकी कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।